चंद्रमा सभा बलरामपुरी जी। हाजीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर किसी तमहीद के तीन चार शेर की ज़हमत चाहती हूँ और मेरे बाद भी कई लोगों को पढ़ना है, मैं हाजिर करती हूँ। तीन 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 मतला हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। इरशाद। यहीं पे जीना है अब तो यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है अब तो यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है अब तो यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे जीना है अब तो यहीं पे मरना है। ये आती जाती हुकूमत से कैसा डरना है। भाई क्या कहना सभा, वाह वाह वाह। ये आती जाती हुकूमत से कैसा डरना है। और पूरे वतन की मेरी माए बहनें, उनके नाम ये शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। ये आती जाती हुकूमत से कैसा डरना है, हमारी बहनें जो सड़कों पर उतरी है, ये जानती है इन्हें आग से गुजरना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। और ये शेर भी सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ, वक्त कम है, हाजिर करती हूँ जी। अब आखिरी शेर पढ़ रही हैं सभा बलरामपुरी, जाहिर है कि शबीब भाई। अच्छा, मैं आखिरी शेर हाजिर करती हूँ। सैयद भाई ने कहा दो शेर पढ़ सकते हैं, मैं हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये आती जाती अजीब बात हमें एक बार मरना है। क्या कहना सभा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर इरशाद हाजिर करके इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। हमें पता है हमें एक बार मरना है, बड़े जतन से इकट्ठा हुए हैं हम सब लोग, बड़े जतन से इकट्ठे हुए हैं हम सब लोग, बड़े जतन से इकट्ठा हुए हैं हम सब लोग, न टूटना है हमें और ना बिखरना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सभा बलरामपुरी साहिबा, उसी लखनऊ से हमारे बीच में आई, जहां जाहिर है कि आप सब वो खबरों में देख रहे हैं कि पुलिस का जिस तरह का रवैया वहां हमारी बहनों के साथ है जो वहां एहतजाज कर रही हैं, उसके बावजूद भी आज लखनऊ ने वाकई एक रिकॉर्ड बनाया है। उसके बारे में चूंकि उसे देख कर आए हैं भाई इमरान प्रतापगढ़ी, तो अपने जबान से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं लखनऊ की ही एक और नुमाइंदा शायरा को सिर्फ दो तीन शेर पढ़ के नुमाइंदगी करने के लिए बुला रहा हूं। आवाज दे रहा हूं मोहतरमा डॉक्टर नुजहत अंजुम साहिबा को, जो एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और उसके साथ साथ उर्दू मुशायरों में एक सच्चे लहजे की शायरा के तौर पर डॉक्टर नुजहत अंजुम साहिबा को बहुत ही मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ सुना जाता है। उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए, एक मतलब दो तीन शेर उनसे भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और दो तीन शेर, एक मिसरा ही काफी है, सुनिएगा।
आज दुश्मन है निगेबान, खुदा खैर करे। 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 है हथेली पे मेरी जान, खुदा खैर करे। है हथेली पे मेरी जान, खुदा खैर करे। देखिए हक मेरा मिलता है बराबर के नहीं। देखिए हक मेरा मिलता है बराबर के नहीं। देखिए हक मेरा मिलता है बराबर के नहीं। उसके हाथों में है मीज़ान, खुदा खैर करे। उसके हाथों में है मीज़ान, खुदा खैर करे। जो ज़माने को कभी लूट लिया करता था, 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 वाह, वो बना बैठा है सुल्तान, खुदा खैर करे। वो बना बैठा है सुल्तान, खुदा खैर करे। मसलहत कोई तो इसमें है यकीनन नुजहत। मक्ता सुन लीजिए जी। मसलहत कोई तो इसमें है यकीनन नुजहत। मसलहत कोई तो इसमें है यकीनन नुजहत। मुझ पे करता है वो एहसान, खुदा खैर करे। मुझ पे करता है वो एहसान, खुदा खैर करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। डॉक्टर नुज़हत अंजुम साहिबा ने अपने कलाम से नवाजा, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। लेकिन आज मैं इस मंच के हवाले से एक बात पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहती हूँ जी, वो ये कि अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपना हक लेना सीखें और अपने हक के लिए लड़ना सीखें। हमारी कुर्बानी रायगा नहीं होनी है, बस, बस, जो भी हमने किया है उसे हम उसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। लगा दीजिए डॉक्टर साहब। जो भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये NRC, CAA, NPR, ये सारी चीज़ें और जितने भी शगुफे इस हुकूमत ने छोड़े हैं जी, और जो भी हम ये सारे जितने भी कानून हैं उन सब से ऊपर है हमारी इंसानियत। जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, और जो इंसानियत जिसके अंदर नहीं है उससे बड़ा कोई शैतान नहीं, उसको ही उखाड़ के फेंकने में ही हमारी इंसानियत की हिफाजत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अपना इतिजाज